आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए तो सवाल में दिया गया है कि एक ठोस गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है ना। इससे r बटे 2 त्रिज्या का एक गोलीय भाग आरेख में दर्शाए अनुसार काट दिया जाता है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि r बराबर, बच्चों यहाँ पर ये अनंत है, इसको अनंत कर लेना, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है अनंत, है ना। तो r बराबर अनंत पर गुरुत्वीय विभव के मान v को शून्य मानते हुए इस प्रकार बने क्वार्टर केविटी के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होगा, ये हमसे बोला गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास में जो विकल्प दिए गए हैं ये रहे आपके पास में, ये हमारे पास में अ, ब, स और ये है बच्चों आपके पास में द, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या क्या है कि जो इसकी जो त्रिज्या है ना, ये कितनी दी गई है बच्चों, आपको दी गई है आर बटे दो, है ना। ये तो आर है और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, ये वाली जो दी गई है ये है हमारे पास में आर बटे दो है बच्चों। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है ये P, है ना। तब मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले तो इस P बिंदु पर जो है यहीं पर तो हमें क्या निकालना है बच्चों, गुरुत्वीय विभव का मान, है ना। केविटी के केंद्र पर जो केविटी है, क्वार्टर बना हुआ है ना, इसके केंद्र पर ये वाला P बिंदु पर जो है हमें गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है। तो पहले तो मैं इस पूरे गोले के कारण निकाल लेता हूँ, है ना, उसमें से फिर ये छोटे वाले गोले का माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा इस जगह पर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा कि मैं क्या करता हूं, बिंदु P पर पूरे गोले के कारण जो होगा मेरे पास में गुरुत्वीय विभव, है ना, वो निकाल देता हूं। ये गोले के अंदर है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला केस कौन सा है, गोले के अंदर वाला केस है बच्चों ये, है ना। तो गोले के अंदर जो विभव हो जाता है, मैं मान लेता हूं कि वो कितना है बच्चों हमारे पास में, वो है Vs, है ना। तो Vs बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाता है मेरे पास में माइनस के, अगर आपको इसका सूत्र याद है तो, माइनस के gm बटे 2r क्यूब और ब्रैकेट में कितना चला जाता है बच्चों, वो चला जाता है 3r² माइनस, है ना। अब यहां से यहां तक की दूरी भाई, ये r बटे 2 है ना, तो ये भी तो r बटे 2 ही होगी ना, यहां से इसके केंद्र से, यही तो भाई ये पूरी की पूरी जो है ये वाली, है ना, यहां से ये r बटे 2 का निकाला था, है ना हमने, तो ये वाली जो हो जाएगी ये भी r बटे 2 हो जाएगी, यानी कि r बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से जो है मेरे पास में इसका मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस के जी एम बटे, ये मेरे पास में आ जाएगा 2r³, है ना, और इसको अंदर का अंदर ही हल करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3r² और माइनस का इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r² / 4 लिख सकता हूं, यानी कि 3r² और 1/4² तो 3 और 3/4 ये इसमें से, मतलब अच्छा 3/4 क्यों माइनस हो रहा है, तो ये 2.75 के करीब आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको जब आप हल करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा जी एम बटे, ये आ जाएगा 2r³, है ना, और ब्रैकेट के अंदर जो रह जाएगा ये कितना, 4 × 12r² - r², यानी कि 11r² / 4 रह जाएगा बच्चों, है ना। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, Vs का मान इधर का इधर ही जब हम लोग हल करेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा मेरे पास में r² से a, ये r³ ये कट जाएगा तो नीचे एक r बचेगा, तो ये मेरे पास में बचेगा 11 gm बटे ये 8 और r बच जाएगा, ये बच गया मेरे पास में Vs का मान। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1, डाल दीजिए। अब जो है हमारे पास में जो द्रव्यमान निकाला गया है, इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं, है ना, तभी तो हमारे पास में आ जाएगा। तो जो हटाया गए भाग का द्रव्यमान, है ना, हटाए गए भाग का द्रव्यमान, अगर मेरे पास द्रव्यमान आ जाएगा तो उसके कारण गुरुत्वीय विभव भी निकाल लेंगे। तो हटाए गए भाग का द्रव्यमान वो कितना हो जाता है मेरे पास में, वो ध्यान से देखिए बच्चों, कब पूरा का पूरा द्रव्यमान था किसका, 4/3 πR³ का, है ना। तो फिर किसका हमारे पास में, तो r/2√ का जो था ना, तो वो किसका है, वो 4/3 π, है ना, और r कितना रह गया उसका, r/2³ का कितना होगा, अरे हम लोग ऐसे निकालते हैं ना कि ये पूरे का जो था वो था हमारे पास में m, है ना,
तो एक का कितना रह जाएगा कि m बटा वो वाला जो पूरा का पूरा आयतन है ना, यानी कि इतने आयतन में इतना था तो एक आयतन में कितना हो जाएगा इतना, तो फिर वो जो दूसरा x आयतन में कितना हो जाएगा तो m बटे पूरा का आयतन इंटू x। तो यही वाला जो सूत्र लगाया है मैंने यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ऐसे 10 रुपए में आती है एक चॉकलेट, तो 20 रुपए में कितनी आएगी, है ना, इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास में हटाए गए भाग का जो द्रव्यमान आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से भी ये मैंने कर दिया तो यहाँ से 4/3 पाई ने 4/3 पाई को कट कर दिया, है ना, आर का क्यूब बच गया और नीचे बच गया 2 और 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब मतलब 8, आर क्यूब ने आर क्यूब को भी मार दिया तो 2 का क्यूब बच जाएगा यानी कि 8, यानी कि एम बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये एम बटे 8 आ गया, है ना। अब इसके कारण, है ना, ये हटाए गए भाग के कारण, हटाए गए भाग के कारण, के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव, है ना, ये गुरुत्वीय विभव ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास में, इसको मैं VC बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, VC। तो ये बराबर कितना हो जाएगा भाई, केविटी तो C, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में बाहर की तरफ में, तो माइनस के 3/2 इंटू जो आ जाएगा मेरे पास में ये आ जाएगा जी, और एम कितना है इसका, एम बटे 8, है ना, और बटे आर, और जो दूरी है इसकी, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बटे 2। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो मेरे पास में इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 3gm बटे, ये कहां है, केंद्र पर है बच्चों, ये इसके, ये केंद्र वाला सूत्र लगाया मैंने, केंद्र पर माइनस के 3/2 gm/r, है ना, तो ये माइनस के, ये मेरे पास में कितना आ गया, माइनस के 3gm/8 आर आ जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, ये दोनों का दोनों आ गया, तब तब मैंने क्या बोला था, पहले पूरे के कारण निकाल लेते, फिर हटाए गए के कारण निकाल लेते, उसमें से माइनस कर देंगे, तब बिंदु P पर कुल गुरुत्वीय विभव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VP बराबर बड़े वाला यानी कि VS माइनस VC, है ना। तो VP बराबर कितना आ जाएगा, VP बराबर VS कितना था मेरे पास में, वो था माइनस के 11gm/8r था, माइनस कर दूंगा मैं बच्चों यहां से माइनस के 3gm/8r, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस के 11gm/8r और प्लस का 3gm/ कितना आ जाएगा 8r। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, VP बराबर यहां से मेरे पास में ये बच जाएगा माइनस के 8gm/8r, जो कि बराबर हो जाएगा मेरे पास में VP बराबर माइनस का gm/r, और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर है। चलिए हमारे विकल्पों में देख लेते हैं, माइनस के gm/r जो है ना, माइनस के gm/r जो वह है हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।